बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद राजनीति गरमाई हुई है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, आग लगाने वाले समझ ले इंदौर नपुंसकों का शहर नहीं है। मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बीच जुबानी जंग चलती रहती है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के आग वाले बयान के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि इंदौर नपुंसकों का शहर नहीं है। जो अपने आप को सीनियर और शक्तिमान समझते हैं वो आग लगाने की बात करते हैं। उनके जैसे कितने आए और चले गए, इंदौर वहीं का वहीं है। एक जो अपने आप को बड़ा सीनियर और सर्वशक्तिमान नेता बीजेपी का बोलता है, उसे इतना ही ज्ञान नहीं है तो ये विभाग कैसे चले होंगे। ये भगवान मालिक है और उन्होंने कहा हम आग लगा देते आरएसएस के लोग नहीं होते। हमने कहा आरएसएस के लोग बेटे भैया पूछ ले कि आग लगाना है कि नहीं। पर मैंने कहा कि इंदौर नपुंसकों का शहर नहीं है, इंदौर बाहुबली और बुद्धिमान लोगों का, ईमानदार लोगों का शहर है जो खुद उन्होंने निर्माण किया। तेरी और मेरी हैसियत नहीं है कि उस इंदौर में आग लगा दे। तेरे और मेरे जैसे कई आए और चले गए, इंदौर अपनी गति से चल रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।